हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं मीरा टिप्स चैनल। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। बाप रे, देखिए कितना बारिश हो रहा है। हे भगवान, इतना बारिश हो रहा है, तब तो बारिश में चटपटा कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए। तो आप भी देख सकते हैं, सबके घर में बारिश के मौसम में कुछ ना कुछ घर के लोग फरमाइश करते हैं। पकौड़ा बनाइए, आलू चाप बनाइए, या फिर कतरा बनाइए। तो कभी ऐसा भी होता है कि हमारे घर में प्याज नहीं होता है, बेसन है तो प्याज नहीं है, तो प्याज के बिना पकौड़ी कैसे बनेगा। तो आज मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके घर में बेसन है लेकिन प्याज नहीं है, तो आज मैं आपको ये ऐसा रेसिपी बताऊँगी कि बिना प्याज के और चटपटा पकौड़ा बना के आप तैयार कर सकती हैं। इस बारिश के मौसम में चाय के साथ चटपटा नाश्ता आप अपने घर वालों को खिला सकती हैं। अगर आपके घर में सोयाबीन है तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन का पकौड़ा। आप अंदाज नहीं लगा सकती हैं कि ये सोयाबीन का पकौड़ा कितना टेस्टी लगता है। अगर आप बनाई हैं अपने किचन में तब तो ठीक है, अगर नहीं बनाई हैं तो आज आप हमारी इस रेसिपी को देख के अपने किचन में एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक कटोरी में सोयाबीन को भिगोई हूँ। ये वजन में सोयाबीन 50 ग्राम है। इतने में तो छोटे परिवार के लिए बहुत काफ़ी है चाय के साथ नाश्ता। अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है और तुरंत आप बनाना चाहती हैं, सोयाबीन भिगोने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या कीजिए, एक बर्तन में एक गिलास गर्म पानी कर लीजिए और सोयाबीन को डाल दीजिए। बेसन को घुलते घुलते आपका सोयाबीन फूल के तैयार हो जाएगा। देखिए ये फूल चुका है। ऐसे भी सोयाबीन को फूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से फूल जाता है। तो ये तो हो गया सोयाबीन, और यहाँ देखिए क्या है, बेसन। एक कटोरी में बेसन ली हूँ, इसका गाढ़ा घोल बनाना है, पतला नहीं। ये जो बेसन है वजन में 150 ग्राम है। यहाँ देखिए, सोयाबीन के पकौड़े बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा तो मसाला का ज़रूरत पड़ेगा, तो ज़्यादा मसाला नहीं है, थोड़ा सा चटपटा मसाला है। चटपटे मसाले में क्या है, यहाँ पे देखिए आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। लाल मिर्च के बिना तो पकौड़ा का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। ये है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, दो हरी मिर्च है, मैं इसको धो करके काट ली हूँ। एक छोटा चम्मच चाट मसाला, अगर आपके पास चाट मसाला है तो डाल दीजिए, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। ये है आधा छोटा चम्मच जीरा, एक चम्मच नमक। नमक मैं अपने स्वाद के अनुसार ली हूँ, आप भी अपने स्वाद के अनुसार नमक ले लीजिए। अभी तो मैं सोयाबीन को रखी हूँ पानी में फूलने के लिए। जब तक ये अच्छे से फूलता है तब तक मैं अपना बेसन का घोल बना के तैयार कर लेती हूँ। आप भी थोड़ा सा अगर बना रही हैं, थोड़ा सा बेसन का घोल बनाना है, तो आप कोई ऐसे गहरा बर्तन में बनाइए कि बेसन जो है चारों तरफ फैले ना। तो मैं बेसन को इस बर्तन में डाल दूँगी और साथ में जीरा, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ में नमक। मैं सारे मसाले को बेसन में डाल दी हूँ। तो देखिए, पानी डालने से पहले मैं सारे मसाले को बेसन में अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्स हो गया अच्छे से। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी। आपको भी ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका घोल बनाना है। वैसे भी अगर आपके बेसन में ज़्यादा पानी हो जाता है तो आप और बेसन को मिला दीजिए तो गाढ़ा हो जाएगा। अगर सूखा है तो और पानी डालते हुए अपना धीरे धीरे इसका घोल तैयार कीजिए। तो देखिए, इतना पतला ही घोल बनाना है, इतना आपको गाढ़ा घोल रखना है सोयाबीन अच्छे से बेसन में लपटा सके। देखिए घोल तो बन के तैयार हो गया है। तो देखिए, मैं गैस पे रख दी हूँ कढ़ाई गरम होने के लिए, यानी कढ़ाई में तेल भी है, कढ़ाई सिर्फ नहीं रखी हूँ, तो तेल गरम हो रहा है गैस पे। देखिए यहाँ सोयाबीन है, सोयाबीन भी अच्छे से फूल गया है, आप देख सकती हैं। देखिए एकदम नरम हो गया है। मैं सोयाबीन को भिगोने से पहले एक बार मैं पानी से इसको धो ली थी, अब मुझे धोने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्ट इसका पानी अच्छे से निचोड़ के निकाल लूँगी।
देखिए इस तरीके से अच्छे से इसको निचोड़ के पानी निकालना है इसमें का। कोशिश कीजिए कि इसमें पानी ना रहे। तो देखिए सोयाबीन का पानी अच्छे से निकल गया है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। अब मैं क्या करूँगी कि सोयाबीन को बेसन के घोल पर डाल दूँगी। एक एक नहीं करके डालना है, सारा डाल देना है और इसको चम्मच से अच्छे से चला देना है कि बेसन सोयाबीन में अच्छे से मिल जाए। तो देखिए मैं सोयाबीन को बेसन में डाल दी हूँ और इसका घोल बहुत अच्छे तैयार हुआ है। जो थोड़ा बहुत अगर लग रहा है आपको कि पतला है तो ये क्या है, सोयाबीन जो है इसके अंदर अच्छे से बेसन सेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि सोयाबीन के पानी को अच्छे से निचोड़ दें। आप देखी होंगी कि सोयाबीन को जब आप भिगो करके निचोड़ के रख देती हैं तो सोयाबीन में जाली जैसा बन जाता है, तो बेसन क्या है उसी जाली में अच्छे से चला जाएगा। तो आपका जो पकौड़ा है जब आप तेल में डालेंगी तो सोयाबीन का पकौड़ा अच्छे से फूल फूल कर फुलौरा जैसा बनेगा। तो देखिए अच्छे से बेसन में सोयाबीन सेट हो गया है और तेल भी गर्म हो गया है। फिर भी मैं एक सोयाबीन को छान के देखूंगी कि तेल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। और वैसे भी आप नमक भी पता कर सकते हैं, जैसे कि आप एक पकौड़े को छान के रख लेंगे और टेस्ट कर लीजिए कि नमक या तीखा कितना है, आपके पसंद लायक है या नहीं। नहीं है तो और मिला दीजिए। तो चलिए मैं छानती हूँ। तो देखिए हाथ में भी नहीं लगेगा, आप आराम से चम्मच से ही छान सकती हैं, इसको डाल सकती हैं कढ़ाई में इस तरीके से। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है, एकदम गोल्डन कलर में पकौड़ी बनके तैयार हुआ है। अब मैं इसको निकालूंगी साइड में, एक बार मैं टेस्ट इसको ज़रूर करूंगी नमक सही है कि नहीं। नमक एकदम परफेक्ट है, मुझे नमक और मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं फटाफट पकौड़ी को छान लूंगी। एक बात को आपको ध्यान रखना है कि आँच तेज नहीं करना है। जब आपका तेल गर्म हो गया है तो आप मीडियम पे गैस को कर दीजिए, इससे क्या होगा कि पकौड़ी कच्चा नहीं रहेगा, अंदर तक सोयाबीन अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अब मैं फटाफट छान लेती हूँ। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप तेल में जैसे ही पकौड़े छान रहे हैं तुरंत आपको पौनी से पलटना नहीं है, नहीं तो आपकी पौनी में चिपकने लगेगा बेसन। इसलिए थोड़ा सा रुक जाएं, जब अच्छे से नीचे का फ्राई हो जाए तब आपको पलटना है। देखिए नीचे का फ्राई हो गया है, अब मैं इसको पलट दूँगी। तेल ज़्यादा मात्रा में लेना है, कम नहीं रहना चाहिए तेल, नहीं अच्छे से फ्राई नहीं होगा। तो देखिए सोयाबीन के पकौड़े का कलर अच्छे से आ गया है, यानी गोल्डन हो गया है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। अब इसी तरीके से मैं बाकी के बचे हुए पकौड़े को छान लेती हूँ। देखिए पकौड़ा छना के तैयार हो गया है, जितना सोयाबीन था सारा मैं इसको छान के प्लेट में निकाल ली हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा घोल बच गया है। तो इस घोल को फेंकना नहीं है, आपके घर में चाहे प्याज हो, आलू हो, बैंगन हो, कुछ भी है तो आप इस घोल में मिला करके छान दीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर ली हूँ भिंडी, एक बड़ा साइज का भिंडी को मैं काट ली हूँ और इसी बेसन में लपेट के मैं इसको छान दूँगी, तो भिंडी का भी पकौड़ा बनके तैयार हो जाएगा। सोयाबीन का पकौड़ा बनके अच्छे से तैयार हो गया है। मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट बना है, जिसके दांत भी नहीं होंगे वो भी आसानी से इस पकौड़े को खा लेंगे। तो आप देखी होंगी कि कितना झटपट और थोड़े से सामान में ये बारिश के मौसम में सोयाबीन के पकौड़े बनके तैयार हुए हैं। अगर आप ये पकौड़े को आप अपने घर वालों के
सामने ले जाएंगे चाय बना के और पकौड़े, तो वो इतना आनंद से वो खाएंगे कि आप सोच नहीं सकती हैं। वो बोलेंगे आपसे कि बार बार यही सोयाबीन के ही पकौड़े बनाओ। और यहाँ पे देखिए जो बचा हुआ था बेसन, तो उस बेसन में मैं भिंडी डाल के अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। देखिए ये भी बन गया है भिंडी का पकौड़े। अब मैं चाय बनाऊँगी, तब मैं अपने घर वालों के लिए ये साथ में सोयाबीन के पकौड़े और चाय ले जाऊँगी सर्व करने के लिए, यानी खाने के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं मिलूँगी अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।